Hello everyone. You all are welcome for today's lecture that's based on addressing mode. So I'm Priyanka Soni और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स. ठीक है, एड्रेसिंग मोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो लाइक KVS एंड ऑल, तो उन सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कंसिडर करेंगे इसकी डेफिनेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम इसकी कंसिडर करेंगे, देन इसकी नीड एंड लास्टली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दीज एड्रेसिंग मोड्स. ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हैं जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे. आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, बट इसके जो वेरियस टाइप्स है जो कि हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग मोड. देखिए एड्रेसिंग मोड के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली इसका वर्किंग क्या है. तो इंस्ट्रक्शन की जब हमने बात की थी तो इसे हमने कुछ फील्ड्स में डिवाइड किया था. इंस्ट्रक्शन को हमने कुछ फील्ड में डिवाइड किया था. ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेंट. सो इसकी जो भी वर्किंग है, फंक्शनैलिटी है, वो हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में. सो आज हम बात करते हैं हम ऑपरेंट और ऑपकोड को कैसे स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है, सो व्हाट एन इंस्ट्रक्शन डज, इट इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. And second point is that we examine the types of operands and operations that may be specified by machine instructions. ठीक है, हमने machine instructions को भी study किया था previous lectures में और different types of operands plus operations. तो हम continue करते हैं आज की class को. देखिए addressing modes में before starting addressing mode हमें ये specify करना होगा कि अगर हम ये use करते हैं तो उससे क्या क्या issues हो सकते हैं. ठीक है, so issues related to specifying an address, issues related to specifying an address, that is the first one is how to specify the address of an operand. देखिए जब हम बात करते हैं instruction की, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी कि इसके दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड द सेकंड वन इज ऑपरेंट. ठीक है, अब जो ऑपकोड है और ऑपरेंट है, ऑपरेंट नो डाउट क्या होंगे, या तो कुछ डेटा होंगे, ठीक है, या फिर कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A equals to 10, right? A equals to 10. So operand is A, right? Operand is A. A variable कहाँ store है? Memory में store है. अगर ये variable memory में store है, तो इसका जो address है, suppose इसका address है 1002. तो इस address को हम यहाँ specify कैसे करेंगे? Suppose मैंने यहाँ specify किया इन bits को 1002. तो जो instruction है ये हमें क्या क्लियर करेगा कि जो 1002 है वो बेसिकली है क्या, या तो कुछ डेटा है या वेरिएबल है या कोई एड्रेस है. ठीक है, तो इन बिट्स को स्पेसिफाई कौन करेगा, क्लियर कौन करेगा, एड्रेसिंग मोड. ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि जो ऑपरेंड की जो बिट्स है उन्हें हम कैसे स्पेसिफाई करें. ठीक है, नेक्स्ट हाउ आर द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड To defined, ठीक है, अब इनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे to define operand address and operation of that instruction. ठीक है, इनमें हम जो bits use करेंगे like opcode and operand में हम bits को हम कैसे specify करें. ठीक है, चाहे वो plus का addition हो या फिर वो minus का instruction हो, तो इन्हें ये कैसे specify करेगा कि हाँ ये जो instruction है वो एक मल्टीप्लीकेशन का है बिटवीन टू ऑपरेंड्स, और वो जो दो ऑपरेंड है वो जो ऑपरेंड की जो बिट्स है वो क्या होल्ड कर रही है, या वो कोई डेटा है या फिर वो कोई एड्रेस है. ठीक है, तो इसके हमारे पास दो इश्यूज हैं,
issues related to specifying an address. The first one is how to specify the address of an operand. ठीक है, operand का address हम कैसे specify करेंगे? And the second one is how to organize the bits of opcode and operand. Clear? So अब हम start करते हैं instruction. देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि इंस्ट्रक्शन है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग सीक्वेंस ऑफ बिट्स. ठीक है, इंस्ट्रक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग सीक्वेंस ऑफ बिट्स. अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की तो वेरियस फील्ड्स में डिवाइडेड है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड, ऑपकोड एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंड. अब देखिए, ऑपरेंड बेसिकली होता क्या है, ऑपरेंड बेसिकली होता क्या है, ये वो डेटा है जिस पे आपको वर्क करना है. ठीक है, जिस पे आपको वर्क करना है तो ऑपरेंड बेसिकली डेटा होगा, राइट. और अगर हम बात करते हैं ऑपकोड की तो ऑपकोड क्या हो सकता है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन हो सकता है लाइक प्लस माइनस एक्सेट्रा. मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है हमें कहाँ परफॉर्म करने हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन है, instruction is to be performed on data. ठीक है, for example मैंने यहां लिखा जैसे a equals to 10, b equals to 20 and in c equals to a plus b. ठीक है, अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शंस सेट किया तो इसमें देखिए c इक्वल्स टू a प्लस b. ठीक है, a और b क्या है, ऑपरेंड है, प्लस क्या है, एक ऑपकोड है, राइट. सो a एंड b आर द डेटा एंड प्लस इज द ऑपरेशन. सो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है आपको एक्सप्लेन करने का कि जो भी हम ऑपरेंड यूज करेंगे, ऑपरेंड बेसिकली डेटा होता है जिस पे हम वर्क करेंगे और ऑपकोड क्या है, ये दिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा. ठीक है, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने वो कहाँ परफॉर्म करेंगे, डेटा पे परफॉर्म करेंगे. सो अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, दो पार्ट्स होंगे, ऑपकोड एंड ऑपरेंड. ठीक है, इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होंगे, दैट इज द ऑपकोड एंड द ऑपरेंड. सो इसमें हम अगर हम ऑपरेंड की बात करें तो यहाँ हम डायरेक्टली डेटा यूज नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ हम डायरेक्टली डेटा को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेटा को यूज नहीं करेंगे, हम डेटा का क्या यूज करेंगे, एड्रेस यूज करेंगे. ठीक है, हम डेटा यूज नहीं करेंगे, हम डेटा का एड्रेस यूज करेंगे. क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की तो डेटा, जो डेटा हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, यह है या तो मेमोरी में सेव होगा या फिर रजिस्टर में सेव होगा. ठीक है, जो डेटा हम यह यूज करेंगे वो कहाँ सेव होगा, अगर हमने एड्रेस की बात की है तो या तो वो कहाँ सेव होगा, या तो वो सेव होगा मेमोरी में या फिर वो सेव होगा रजिस्टर में. ठीक है, ऑपकोड में हम डायरेक्टली डेटा यूज नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम डेटा का एड्रेस यूज करेंगे. और एड्रेस की हम बात करते हैं तो वो कहाँ यूज होगा, या तो मेमोरी में या फिर रजिस्टर में. अब देखिए, जो भी डेटा, अगर हम बात करते हैं ऑपरेंड की, राइट, अगर हम बात करते हैं ऑपरेंड की, अगर हम बात करते हैं ऑपरेंड की, तो जो भी डेटा या बिट्स हम यहाँ लिखेंगे वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लिखा 1002, तो ये बिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये कोई एड्रेस है या ये कोई डेटा है. ठीक है, तो ये कोई रजिस्टर वर्ड है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, यूजिंग एड्रेसिंग मोड्स. तो हमें पता चलता है कि जो एड्रेसिंग मोड से, जो बेसिकली एड्रेसिंग मोड है, ये क्या स्पेसिफाई करते हैं कि जो बिट्स हैं उन्हें कैसे स्पेसिफाई करना है. ठीक है, एड्रेसिंग मोड ही स्पेसिफाई करेगा कि क्या ये कोई डेटा है, क्या ये कोई एड्रेसिंग मोड है या फिर ये कोई रजिस्टर वर्ड है. ठीक है, होप सो आपको इतना क्लियर होगा कि इंस्ट्रक्शन में हमने जो चीजें यूज की है, ऑपकोड और ऑपरेंड, सबसे पहले ऑपरेंड क्या होता है और ऑपकोड हम कैसे उसको, ऑपकोड का मीनिंग क्या है. उसके बाद ऑपरेंड में हम डायरेक्टली डेटा यूज नहीं करेंगे, हम डेटा के एड्रेसेस यूज करेंगे. जब हम एड्रेसेस की बिट्स यूज करते हैं तो जो बिट्स हैं वो क्या स्पेसिफाई करेंगी, क्या वो कोई मेमोरी का एड्रेस है या फिर वो कोई रजिस्टर है या फिर वो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है. तो इन सबको जो स्पेसिफाई है वो कौन करेगा, एड्रेसिंग मोड. ठीक है,
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की। देखिए, ऑपरेंड में हम डायरेक्टली डेटा भी दे सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि नहीं हम इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स यूज करेंगे, इसमें हम डेटा भी दे सकते हैं बहुत बहुत रेयर चांसेस में, जहाँ पे वो डेटा फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा भी यूज कर सकते हैं बट बहुत रेयरली। कैसे, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑपरेंड में हम डायरेक्टली डेटा भी दे सकते हैं बट जनरली क्या होता है, यहाँ एड्रेस ही स्पेसिफाई होगा। ठीक है, ऑपरेंड में एड्रेस ही स्पेसिफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, जैसे हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ वेरिएबल्स एज वेल एज कॉन्स्टेंट्स पर भी काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेंड क्या होगा, यहाँ हम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम वेरिएबल्स भी यूज करते हैं, यहाँ हम कॉन्स्टेंट भी यूज करते हैं, या एड्रेस भी हो सकता है, या डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। सो हम प्रोग्राम में डायरेक्ट कॉन्स्टेंट वैल्यूज देते हैं, है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ जो पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो फिक्स है, दैट इज 3.14, ये हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। सो इन केस अगर हम प्रोग्राम में कहीं भी पाई का यूज करेंगे तो वो डेटा को फैच करेगा, दैट इज इट विल फैच ओनली द वैल्यू 3.14। ठीक है, सो हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में उस डेटा को दे सकते हैं, बट जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में हम कॉन्स्टेंट वैल्यूज को लेके प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, वी नीड टू यूज वेरिएबल्स, राइट। सो जनरली हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिया, इंस्ट्रक्शन ए इक्वल्स टू, एक मिनट, इंस्ट्रक्शन ए इक्वल्स टू बी इंटू सी, राइट। अब ए की वैल्यू कब आएगी, ए की वैल्यू हमें कब स्पेसिफाई होगी, जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज बी इंटू सी। ठीक है, हम डेटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते इंस्ट्रक्शन में, हम डेटा की वैल्यू डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे हम ऐसे नहीं लिख सकते सब्ट्रैक्ट टू या फिर एड फोर, नो। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें क्या करना होगा, पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई होगी। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं एक्चुअली, देखिए हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो किस पे वर्क होता है मेन, जो प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो वो हम वर्क करते हैं ओनली एंड ओनली वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स पर वर्क करते हैं प्रोग्राम्स में, जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो यूजर से भी हम डेटा रीड करते हैं, राइट, हम यूजर से भी डेटा रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्कैनफ यूज करते हैं। ठीक है, तो स्कैनफ में क्या होगा, जो यूजर से डेटा रीड होगा रन टाइम पर। सो इन टाइप के डेटा के लिए हम इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली डेटा नहीं लिख सकते, अगर हमें कुछ इनपुट की यूजर से रिक्वायरमेंट है तो हम वहां पे वेरिएबल्स ही यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट डेटा यूज नहीं करेंगे, राइट। सो तो यहाँ पे जो इन बिट्स को कैसे ट्रीट करना है वो हमें कौन स्पेसिफाई करेगा, अगेन एड्रेसिंग मोड। तो इस स्लाइड पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो ऑपरेंड और ऑपकोड है, ऑपरेंड में हम डायरेक्टली डेटा बहुत रेयरली यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमें कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए, बट प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम किस पे वर्क करते हैं, वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं, राइट, क्योंकि क्योंकि हमें जो डेटा है, कुछ यूजर भी हमें डेटा इनपुट कराएगा रन टाइम पे, तो उन चीजों के लिए हम कॉन्स्टेंट डेटा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो देखिए वेरिएबल्स है, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स की, ठीक है, वेरिएबल्स का जो कहाँ सेव होंगे, या तो ये सेव होंगे मेमोरी में या फिर ये सेव होंगे रजिस्टर में। ठीक है, ये दोनों जगह ये सेव हो सकते हैं। तो ऑपरेंड में जो भी डेटा है, क्या वो एड्रेस है, क्या वो रजिस्टर का नंबर है, ये बिट्स हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे, ऑपरेंड में। ठीक है, ये बिट्स हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे, ऑपरेंड में। अब हम बात करते हैं, अगर हमें ये बिट्स को कंसिडर करनी है और हमें ये स्पेसिफाई करना है कि क्या ये एड्रेस है या फिर ये वेरिएबल है, तो अगेन हमें एड्रेसिंग मोड से ही पता चलेगा। और अगर हम एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो एड्रेसिंग मोड के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। ठीक है,
एड्रेसिंग मोड के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। एड्रेसिंग मोड के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अब देखिए, हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि इसमें दो एनवायरनमेंट होता है, राइट? एक तो होता है रेस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रक्शन सेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। होप सो आपको ये क्लियर होंगे। तो अगर हम बात करते हैं RISC एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट की, ठीक है? तो यह नियरली हमारे पास होंगे 5 to 6 एड्रेसिंग मोड्स। पर अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट की, तो यहाँ हमारे पास मैक्सिमम एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल हो सकते हैं, राइट? तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है? डिफरेंट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स ले सकते हैं। बट जनरली अगर हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की, तो ये जो है वो बेसिकली 5 to 6 टाइप्स के ही हैं, ठीक है? तो अब इन्हें हम कैसे यूज करेंगे, इनके क्या टाइप्स हैं, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये सब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स। हम इनकी ओके फर्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है? नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड्स की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की, तो ऑपरेंड है, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेंड है वो कहाँ सेव होगा, या तो वो मेमोरी में सेव होगा या फिर वो कहाँ सेव होगा, रजिस्टर में सेव होगा, ठीक है? सो एड्रेस फील्ड इन अ टिपिकल इंस्ट्रक्शन, एड्रेस फील्ड इन अ टिपिकल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज रिलेटिवली स्मॉल। देखिए, एड्रेस फील्ड की हम बात करते हैं तो बहुत ही एक स्मॉल नंबर ऑफ हमारे पास एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है? इश्यूज अकर व्हाइल रेफरेंसिंग अ लार्ज रेंज ऑफ लोकेशंस इन मेन मेमोरी और इन वर्चुअल मेमोरी, एंड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैज बीन एम्प्लॉयड। देखिए, एड्रेसिंग मोड्स की हम बात करें तो ये बेसिकली वही है कि जो हम डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को सेव करेंगे मेमोरी या फिर रजिस्टर में, ठीक है? तो इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है? साइज इसका मैक्सिमम है, तो जो इंस्ट्रक्शन की जो बिट्स होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इन बिट्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट को रिड्यूस कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, देखिए हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो हमने दो, एक लिया है हमने मेमोरी साइज और एक है हमारे पास रजिस्टर साइज, ठीक है? हम इन दोनों में हमारा जो डेटा है वो सेव होगा, एक है मेमोरी साइज एक है रजिस्टर साइज। देखिए, अगर हम बात करते हैं मेमोरी साइज की, तो एक हमने कंसिडर की है मेमोरी जिसका साइज है 1 मिलियन वर्ड्स, ठीक है? तो इसमें आपका कहीं भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, 1 मिलियन वर्ड्स की जो मेमोरी है इसमें आपका इंस्ट्रक्शन कहीं भी स्टोर हो सकता है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन कहीं भी स्टोर कर हो सकता है। सो अब आप इंस्ट्रक्शन में एड्रेस स्पेसिफाई करोगे मेमोरी का जहां आपका डेटा है। सपोज मैंने ये मेरा है इंस्ट्रक्शन, एक मिनट, ये मेरा है इंस्ट्रक्शन, ये मेरा है इंस्ट्रक्शन, यहां मैंने स्पेसिफाई करा है 100, ठीक है? और ये है मेरा एड्रेस 100, यहां मेरे पास डेटा है 10, राइट? सो मैंने क्या किया, जो मेमोरी का जो एड्रेस है हम ऑपरेंड में इस हमेशा इसका एड्रेस ही स्टोर करेंगे, तो ये मैंने यहां स्टोर किया, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू 10, राइट? सो एड्रेस का साइज क्या हो जाएगा, 20 बिट्स हो जाएगा, ठीक है? एड्रेस का साइज क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने कम कर दिया, क्योंकि मेमोरी है 1 मिलियन, तो एड्रेस का जो साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 बिट्स नहीं होगा,
यहाँ पे होगा 20 bits, 1 million है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो 20 bits का हमारा जो एड्रेस है वो उसका साइज हो जाएगा, 20 bits का हमारा साइज होगा। सो इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस स्पेस या जो ऑपरेंड स्पेस है, ठीक है, जो एड्रेस स्पेस है या फिर हम इसे कह सकते हैं जो ऑपरेंड की जो स्पेस है वो 20 bits का होगा, प्लस ऑपकोड के बिट्स अलग, ठीक है, ऑपकोड के बिट्स भी ऐड होगी। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंस्ट्रक्शन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके हम ये यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, रजिस्टर्स यूज करेंगे, राइट। तो रजिस्टर्स में भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइज लिया है 16 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, मेरे पास कितने हैं, 16 रजिस्टर्स हैं, दैट इज 0 to 15। अगर 16 रजिस्टर्स हैं तो इसमें एक रजिस्टर है उसका एड्रेस क्या होगा, 4 bits का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 100, राइट, यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर है 10। अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड पे हमें कितनी बिट्स यूज करनी पड़ेगी, ओनली 4 bits। यहाँ हमें यूज करनी थी 16 bits, यहाँ हमें यूज करनी थी 16 bits, पर यहाँ हम यूज कर रहे हैं ओनली एंड ओनली 4 bits, राइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, तो ये 16 रजिस्टर को बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो इसमें कितने बिट्स हम यूज करेंगे, 4 bits। तो देखिए, मतलब अगर इंस्ट्रक्शन साइज को रिड्यूस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वेट 1 मिनट, देयरफॉर अब हम साइज जो हम स्टोर कर रहे थे वेरिएबल 10 का जो एड्रेस है, जो हम स्टोर कर रहे थे 20 bits में, वही एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं 4 bits में, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, साइज इनका रिड्यूस हुआ है। जब इनका साइज रिड्यूस हुआ है तो ये प्रोग्रामर को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है दैट यू कैन रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन साइज, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक इन्फो थी अबाउट एड्रेसिंग मोड्स, होप सो आपको ये सब क्लियर होगा, और हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आप प्लीज इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अब, ओके। और ये है इसके वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। दैट इज द फर्स्ट वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, ये रिपीट हो गया, इनडायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड स्टैक, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करेंगे विद एग्जाम्पल इन आर नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके। सो थैंक यू, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस वाइज कवर हो रहे हैं फॉर आर केवीएस एग्जाम, एंड इसके जो भी एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वो भी इस चैनल पे जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू ऑल।